हे यू आर माइ गॉज वेलकम बैक टू चैनल गाइस आई होप आप सब बहुत मजे से होंगे इन त्योहारों को खूब जमकर इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ सो so गाइस आज मैं आपके लिए आई हूँ एक ह्यूज 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 मीशो हॉल जिसमें आपको मोस्ट अफोर्डेबल कुर्तीस एंड कुर्ता से दिखने को मिलेंगे काफ़ी सारे कलर वेरियंट्स हैं एंड डिफरेंट वर्क पैटर्न आपको दिखने को मिल जाएंगे आज के इस हॉल वीडियो में जो कि एकदम परफेक्ट है इन सारे त्यौहारों में वेयर करने के लिए या फिर जैसे कि वेडिंग सीजन जो स्टार्ट ही होने वाला है तो उसमें भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो मैंने इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन रखे हैं गाइज़ जो कि एकदम न्यूट है एंड परफेक्ट है इंडियन स्किन टोन्स के लिए एंड देन जैसे कि मैंने बोला कि ये इन बजट है सारे ही प्रोडक्ट्स के जो लिंक एंड कोड्स हैं मीशो के डायरेक्ट वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिल जाएंगे तो जरूर चेक कीजिएगा वीडियो को प्लीज एंड तक देखेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है एंड यूजफुल भी रहेगी तो मेरी इस छोटी सी मेहनत के लिए एक छोटू सा लाइक और कमेंट भी कीजिएगा क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके की प्यारी प्यारी और अफोर्डेबल कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एंड ऐसे ही आप इन फ्यूचर क्लोदिंग हॉल वीडियो देखना चाहते हो या फिर फैशन से रिलेटेड हॉल वीडियो देखना चाहते हो

इसमें हमको मिल जाएगा फुली इलास्टिकेटेड पैंट कुछ इस तरीके से सेम फैब्रिक है सेम कलर रहेगा और इसका आप देख सकते हो आसन भी काफी अच्छा खासा है कंफर्टेबली आप इसको पहन सकते हो बाकी कुछ इस तरीके से इसका एकदम रेगुलर फिट आ जाएगा सॉलिड कलर है बहुत सारी कुर्तीस के साथ ये कलर पेयरअप हो जाता है तो आप इसको मल्टीपल पर्पज से यूज कर सकते हो बाकी इसके साथ जो हमको दुपट्टा मिलता है यू you नो know, वो भागलपुरी कॉटन सिल्क जो होता है ना वो है जो कि फुल लेंथ एंड वर्थ में मिलेगा एंड जस्ट लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन सो परफेक्ट इसमें आपको ना विर्थ में पूरा यह वाला जो है टैसल वर्क का काम मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसे एंड बीच में पूरा भागलपुरी प्रिंट आपको मिल जाता है जो कि मल्टी कलर का है ये देखिए कलर जो है बहुत है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दुपट्टा इसमें ब्राइट दे रखा है एंड सटल कलर का कुर्ता सेट है विच मेक्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप इसको किसी भी फेस्टिवल में हल्दी या फिर यू नो आपके घर में कोई पूजा वगैरह का ओकेजन है उसमें आप कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो फुल लेंथ का दुपट्टा इसमें प्रोवाइडेड है बहुत ब्यूटीफुल फैब्रिक है एंड देन भागलपुरी सिल्क है तो इसके दुपट्टे में ना आपको हल्की सी एक शाइन दिखने को मिलेगी आप देख सकते हो इसका कलर ऑप्शन कुछ ऐसे है तो यस अगर आपने ये अभी तक मिशो से नहीं लिया है ट्रस्ट मी एक बार इसको लेके देखो जरूर आपको Now, पसंद इस, इस तरीके से है, इसमें हमको न, ये मिल वो है जॉर्जेट बहुत ही ज्यादा फाइन एंड प्रीमियम क्वालिटी का है ये राउंड नेक हमको मिल जाएगा और यहाँ आप देख सकते हो जो एक वो मल्टी कलर्ड थ्रेड होता है ना उससे पूरा इसमें मशीन एम्ब्रॉयडरी रखा है आरी वर्क एंड साथ में आपको मल्टी कलर का ही सीक्वेंस वर्क भी दिखने को मिल जाएगा ये देखिए जगह जगह इसके योग पार्ट पे जो है पूरा इन्होंने मल्टी कलर से and सीक्वेंस भी कलर uh, का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा ये कुछ इस तरीके से नागेज जैसे कि मैंने बोला इसका फैब्रिक जॉर्जेट है अंडरनीथ आपको वेस्ट लाइन तक जो है इसमें मिल जाएगी लाइनिंग तो ये अपर पार्ट पे बिल्कुल भी थ्रू नहीं है बाकी नीचे जो है हमको ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कलीदार घेर

भी पूरी स्लिट दे रखी है आ, आप इसके अंडरनीथ यू you नो know, गोल्डन कलर का या किसी भी कलर का स्कर्ट या फिर यू you नो know, प्लाजो वेयर कर सकते हो क्योंकि इसमें मल्टी आ, कलर का वर्क हो रखा है तो ये जो है बॉटम वेयर जो है इसको कवर कर लेता है एज अ लाइनिंग सो ये सीचुर नहीं रहता है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल पीस है ये भी इसके अंदर जो हमको लाइनिंग दे रखी है वो भी काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है ये देखिए कुछ ऐसी नो इसके साथ हमको जो इन्होंने दिया है स्टोल वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर आगे से हमको ये पूरा ना बेल्ट टाइप्स का दे रखा है जिसमें कि यही एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा एंड देन प्लीटेड दे रखा है ये साइड में कुछ ऐसे सो so, ये वेयर अगर आप करोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये देखिए कुछ ऐसा तो so, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड ग्रेसफुल लगता है तो मेरी तरफ से ये भी हाईली रिकमेंडेड है आप इसको भी ट्राई करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन जो कि आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में दिखने को मिलेगा एंड देन ये काफ़ी रीजनेबल है कुछ इस तरीके से मैंने इसमें पीच कलर लिया है क्वालिटी जो है इसकी सुपर है जॉर्जेट फैब्रिक में आपको मिल जाएगा एंड सीरियसली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसके जॉर्जेट का आपको कुछ ऐसा वाला ना नेक मिल जाएगा इसमें एंड पूरे योग पार्ट पे आपको ये हैवी सीक्वेंस का वर्क देखने को मिल जाता है एम्ब्रॉयडरी में देखिए कुछ ऐसा पूरा स्टिचिंग में है ये ऑल ओवर तो ये सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ऑल ओवर इसका लुक कुछ ऐसे होगा स्लीव इसमें ऑलमोस्ट आपको एल्बो स्लीव्स मिल जाएंगी हल्की सी बड़ी है एल्बो स्लीव से पर यह काफ़ी कंफर्टेबल है यही पूरा सीक्वेंस का फैब्रिक आपको स्लीव्स में भी मिल जाएगा सो इसका लुक जो है ओवरऑल कुछ ऐसे रहेगा बाकी ये एक यू you नो know, अनारकली गाउन है आपको ये वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट रहेगा उसके बाद आप देख सकते हो कि फ़्रंट में ना हमको ये वाला फ्लैप दे रखा है जो कि इसमें अटैच्ड है कुछ ऐसे सो इस फ्लैप के साइड्स में हमको ये पूरा सीक्वेंस का डिटेलिंग मिल जाएगा ये देखिए पूरा पैच वर्क है जो कि इसके योग पार्ट पर भी हमको पूरा मिल रहा है एंड अटैच्ड है ये पूरा फ्लैप आगे और पीछे दोनों तरफ हमको ये फ्लैप मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसे एंड अगर बात करें इसके घेर की तो इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा खासा है आप देख सकते हो ये देखिए कुछ इतना इसका फ्लेयर है बहुत अच्छा खासा फ्लेयर है एंड अंडरनीथ इसमें हमको दे रखी है कुछ इस तरह की लाइनिंग सेम शेड में इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है इस मेरी हाइट फाइव फोर है एंड देन उसके हिसाब से भी मुझे ये फ्लोर लेंथ आ रहा है तो लेंथ वाइज ये एकदम परफेक्ट है एंड फिट भी इसकी अच्छी आई है बैक साइड पर हमको ये पूरा सॉलिड कलर का ही मिलेगा पीच कलर का बट ये वाला जो फ्लैप था जैसे कि हमने फ्रंट में देखा था ये हमको बैक साइड पर भी मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसा काफ़ी लाइट वेट है एंड प्यारा लगता है इसके साथ आप मतलब कोई ज़रूरत नहीं है बॉटम वेयर पेयर करने की बट स्टिल अगर आप इसके यू नो घेर को एक फ्लेयर देना चाहते हो तो अंडर नीद आप कोई स्कर्ट या फिर यू नो हैवी प्लाजो वेयर कर सकते हो बहुत ब्यूटीफुल शेड है गाइस पीच कलर मतलब हर स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाता है डिसेंट कलर है तो मैं इसको भी जरूर रिकमेंड करूँगी आप इसको भी ट्राई करके नेक्स्ट ऑप्शन है ये बहुत ही प्यारा सा कंप्लीट कुर्ता सेट जो कि आपको यू नो अफगान स्टाइल में दिखने को मिलेगा हंड्रेड कॉटन फैब्रिक है इसके कुर्ते का बॉटम वेयर एंड दुपट्टे का तो कुर्ता देखते हैं कुछ इस तरीके से है इसमें हमको यू नो ये वाला जो है शेप मिल जाएगा

को ये पूरा ऐसे ही प्रिंटिंग पैटर्न पे दिखने को मिल जाता है एंड बैक साइड पे भी ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे रहने वाला है Fabric, है फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो साथ में हमको फुली इलास्टिकेटेड बॉटम वेयर दिया हुआ है जिसमें कि ये लाइन बनी हुई है मल्टी कलर की फिट इसका एकदम रेगुलर फिट है ये देखिए कुछ ऐसे एंड नीचे से जो है हमको प्लीटेड अफगान पैटर्न दे रखा है जिसमें कि ये पैच वर्क मिलेगा जैसे कि कुर्ते का फैब्रिक था एंड ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है आप इसको आराम से ऐसे ही वेयर कर सकते हो एंड इसका फिट भी बहुत अच्छा आया है बिल्कुल भी टाइट नहीं है क्योंकि ज्यादातर कुछ अफगान सेट्स ऐसे होते हैं जो ना यहाँ पे आपको टाइट होते हैं बट ये काफी कंफर्टेबल है तो ये हो जाता है इसका ब्यूटीफुल सा बॉटम वेयर एंड दुपट्टा जो है इसमें हंड्रेड कॉटन का है फुल लेंथ एंड वर्थ में एक सेकेंड में आपको खोल खोलकर दिखा देती हूँ ये देखिए कुछ ऐसे विर्थ जो है इसकी फुल स्टिच करी है इन्होंने तो कोई भी थ्रेड नहीं निकल रहा है साइड पर हमको ये वाला बॉर्डर मिल जाएगा जैसे कि कुर्ते का था प्रिंट एंड बीच में हमको ये बॉटम वेयर का प्रिंट मिल जाएगा ये देखिए काफ़ी अच्छी खासी वर्थ एंड लेंथ है इसकी एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है वेयर करने के बाद कलर भी काफ़ी ग्रेसफुल है तो इस फेस्टिव सीजन में आप इसको जरूर ट्राई करके देखो अगर आप कुछ लाइट वेयर में ब्राइट सा शेड देख रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा और नेक्स्ट ऑप्शन भी जो है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट जो कि है कुछ इस तरीके से सिंगल कलर में आपको ये टायर्स स्टाइल में अनारकली कुर्ता मिल जाएगा अनारकली गाउन भी आप बोल सकते हो क्योंकि इसकी फुल लेंथ है एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है आपको ये कॉटन रियोन मिक्स फैब्रिक में मिलता है राउंड नेक है इसमें और यहाँ पूरा आप देख सकते हो आपको फॉल्स मिरर और एम्ब्रॉयडरी का वर्क देखने को मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे जो है हमको डोरी वर्क दे रखा है साथ में टैसल है और ये जो है ना श्रग इसमें अटैच्ड है तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो तो ऑल ओवर लुक इसका कुछ ऐसे रहेगा प्रिंट जो आप ये देख रहे हो ना ये पूरा जो है इसमें ब्लॉक प्रिंट हो रखा है वाइट कलर का पूरा ब्लॉक प्रिंट है एंड यहाँ पे इसके श्रग में हमको ये वाला एम्ब्रॉयडरी का और फॉल्स मर की डिटेलिंग मिल जाएगी सो so कुछ इस तरीके से इसका अपर लुक आएगा थ्री फोर्थ इसकी स्लीव है एंड स्लीव के एंड पे भी हमको ये वाला पूरा पैच वर्क दिखने को मिल जाता है जिसमें कि फॉल्स मरक की डिटेलिंग है एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क है फिट इसका गजब का आया है वेयर करने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ना ये जो है आपको वेस्ट तक परफेक्ट फिट रहेगा एंड देन उसके बाद आप नीचे देख सकते हो सेम यही प्रिंटिंग पैटर्न है एंड यहाँ पे आपको टायर्स दे रखे हैं जो कि इसमें एक अच्छा खासा फ्लेयर क्रिएट कर देते हैं ये देखें कुछ इतना इसका फ्लेयर है एंड दिस लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो ऐसे ही बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है बट अगर आप चाहो तो इसके साथ वाइट कलर का बॉटम वेयर पेयर कर सकते हो वाइट या फिर ऑफ वाइट दोनों चले जाएंगे इसमें बैक साइड पे जो है हमको ये पूरा इसी तरीके से प्रिंटिंग पैटर्न पर मिलता है पीछे से भी आप देख सकते हो पूरे टायर्ल्स दिखाई दे रहे हैं और उसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है अगर ये इनकेस मेरे पास सेल आउट हो जाता है क्योंकि आज के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रीसेल के लिए भी हैं आप इसमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो डायरेक्टली मुझसे कम प्राइस पर परचेस uh, you know, कर सकते हो बट स्टिल अगर आपको मीशो से परचेस करना है तो डेफिनेटली करके देखेगा बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बॉटल ग्रीन शेड है जो कुछ इस तरीके से रहेगा और ये अनारकली आई मीन कंप्लीट सेट है इसमें आपको दुपट्टा भी मिलेगा एंड बॉटम वेयर भी मिलेगा इसका फैब्रिक जो है वो है कॉटन एंड रॉन मिक्स कॉटन की तरफ ज़्यादा है ये कुछ ऐसे आपको मिल जाएगा राउंड नेक है फ्रंट पे आपको ये पूरा भरा हुआ सीक्वेंस का एंड जरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क दे रखा है ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है ये एंड यहाँ पर हमको ये पूरा ये वाला जो आप काम देख रहे हो ये पूरा फॉल प्रिंट का वर्क है बहुत ज़्यादा डिसेंट है गॉडी वाला फॉल प्रिंट नहीं है आप इसको कम्फर्टेबली वेयर कर सकते हो तो इसका लुक जो है कुछ ऐसे हो जाएगा स्लीव इसमें हमको मिलेंगी थ्री फोर्थ स्लीवस के एंड पे ये कुछ इस तरीके का पैच वर्क इन्होंने अटैच कर रखा ये है ये पूरा प्रिंटिंग वर्क है ब्लॉक प्रिंट ही है ये पूरा एंड इसकी लुक हो जाती है कुछ ऐसे बाकी नीचे जो है इसमें हमको मिल जाएगा कलीदार घेर ये देखिए ये पूरा का पूरा कंफर्टेबल घेरा दे रखा है इसमें पूरा यही प्रिंट नीचे तक जाएगा और सबसे लास्ट में हमको ये वाला जो है पैच मिल जाएगा कुछ इस तरीके के प्रिंट का सो ऑल ओवर इस कुर्ते की लुक हो जाती है कुछ ऐसे एंड बैक साइड पे हमको ये ऐसे ही प्रिंट में मिलेगा नीचे जो है इसमें हमको बैक साइड पे ये वाला प्रिंट मिल जाएगा तो फिट जो है इसका बहुत अच्छा आया है एंड आई थिंक इसमें शायद सिंगल कलर ही अवेलेबल है या फिर दो कलर्स और आई एम नॉट श्योर आप इसका कोड चेक कर लेना तो आपको और कलर ऑप्शन भी दिखने को मिल जाएंगे अगर होंगे तो इसके साथ हमको जो बॉटम वेयर मिला है वो सेम फेब्रिक का है सेम शेड बॉटल ग्रीन कलर फुली इलास्टिकेटेड एंड इसमें भी अच्छा खासा हमको जो है आसन दे रखा है एकदम रेगुलर फिट में है कुछ ऐसे नीचे हमको पैचवर्क मिल जाएगा जैसे कि कुर्ते में हमको दे रखा था ये देखिए तो कुछ ऐसे इसका बॉटम वेयर हो जाता है बाकी दोपट्टा जो है इसमें जो सूती कॉटन होता है ना वो वाला है ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसका दुपट्टा फुल लेंथ एंड विर्थ में है इसका दुपट्टा ये देखिए कुछ ऐसे विर्थ इसकी स्टिच करी हुई है इन्होंने एंड बीच में हमको ये पूरा कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग पैटर्न दिखने को मिलेगा ये देखिए कुछ ऐसा का पूरा का पूरा चला जाएगा ये प्रिंटिंग पैटर्न में तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लगता है तो आपको ये पसंद आता है डिफरेंट शेड एंड बॉटल ग्रीन कलर भी सब स्किन टोन्स के ऊपर बहुत अच्छे से जाता है आप इसको भी ट्राई करके नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करोगे बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती जो कि बांधनी प्रिंट में आपको मिल जाएगी सिंगल कलर

एंड पे हमको ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है सो ओवरऑल लुक इसका ऐसे रहेगा स्ट्रेट फिट का कुर्ता है परफेक्ट फिट इसके साथ आप ऑफ वाइट कलर का या फिर यू you नो know, केसरिया कलर का जो लाइट ऑरेंज होता है ना तो वैसा सा आपके पास कुछ है तो वो पेयर करो अदरवाइज ऑफ वाइट के साथ भी ये काफ़ी अच्छा रहता है बाकी नीचे जो है इसकी स्लिट्स में हमको गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाएगी कुछ ऐसी जो कि आगे और पीछे दोनों ही स्लिट्स में है ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हो जाता है इसका नीचे बॉटम पे और यह हमको दे रखी है गोटा पट्टी की डिटेलिंग सो so, ओवरऑल इसका लुक रहेगा कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा प्यारा पीस है बैक साइड पे ये पूरा हमको इसी तरीके के बांधनी प्रिंट में मिलेगा फैब्रिक प्रिंट है घर पे आप हैंड वॉश कर सकते हो ये देखिए कुछ इस तरीके का प्रिंट है सो so, यस yes, ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है आपको पसंद आता है ज़रूर लीजिए ऑरेंज भी काफ़ी ज़्यादा फेस्टिव शेड है पहनने के बाद काफ़ी ब्यूटी नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरीके का है ताफ्ता सिल्क इसका फैब्रिक है एंड ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल है कुछ ऐसा मस्टर्ड कलर का मिल जाएगा डूल शेड में है इसमें हल्का सा ग्रीन का टेंट आता है मेहंदी ग्रीन का और ऐसे बेस जो है इसका मस्टर्ड कलर का है राउंड नेक है यहाँ पे पैच वर्क में हमको ये फुल सीक्वेंस और जरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा बीच में हमको नेट की डिटेलिंग भी दे रखी है ये जो फ्लास्क बने ना ये नेट फैब्रिक के ऊपर बने हुए हैं एंड गोटा पट्टी की डिटेलिंग है ये देखिए ये तो गाइस मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है आप देखना इसका प्राइस आई थिंक ये सम अराउंड फाइव हंड्रेड कुछ का है एंड वर्थ है सीरियसली तो से इसका फैब्रिक है गला बैठ रहा है दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है कभी आँखों में मिर्च लगती है कभी गला बैठ जाता है कभी कुछ तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा इसका फैब्रिक है एंड पूरे ही फैब्रिक में आपको ना एक शाइन दिखने को मिलेगी क्योंकि इसका बेस जो है वो सिल्क में है तो कुछ ऐसा रहेगा स्लीव्स इसमें रहेंगी आपको ये ऐसी थ्री फोर्थ एंड इधर हमको ये क्रोशे की जो है लेस डिटेलिंग देखने को मिल जाती है ये देखिए तो इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी स्ट्रेट फिट का है परफेक्ट फिट नीचे हमको ये पूरा सॉलिड कलर में मिल जाएगा आप देख सकते हो कितना ग्रेसफुल लग रहा है इसका शेड एंड बैक साइड पर यह पूरा हमको इसी तरीके से जो है यू नो सेम शेड में मिल जाएगा फैब्रिक इसका सेम है बाकी इसमें जो हमको बॉटम वेयर मिलता है ना वो कुछ ऐसा है सेमी इलास्टिकेटेड ये देखिए रेगुलर फिट में रहेगा आगे से बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड है एंड कुछ इतना इसका जो है फिट आ जाएगा एकदम रेगुलर फिट है इसके फ्रंट पोर्शन पे सिर्फ बॉटम वेयर के हमको ये वाला क्रोशे की लेस डिटेलिंग मिल जाएगी कुछ ऐसी लुक आ जाती है पीछे से ये पूरा प्लेन सॉलिड फैब्रिक रहेगा ये देखिए कुछ ऐसा ना इसमें दुपट्टा हमको मिलेगा एकदम प्लेन नेट फैब्रिक का है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फाइन फुल लेंथ एंड वर्थ में इसका एकदम प्लेन दुपट्टा मिल जाएगा ये देखिए ये इसकी लेंथ की है ये इसकी विर्थ हो जाती है काफी अच्छी खासी वर्थ है और लेंथ भी आप देख सकते हो कंप्लीट लेंथ जाएगी इसकी कुछ ऐसी फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है अगर आपको यह सेट पसंद आ रहा है तो जरूर ट्राई करके देखना बीच में ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था बट फिर से इसका स्टॉक आ चुका है आई सपोज क्योंकि उसमें मुझे सारे ही साइजेस दिख रहे थे अभी करंटली तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखें नेक्स्ट है इस एक ब्यूटीफुल सा कुर्ता जिसका फैब्रिक है लीवा बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है स्किन फ्रेंडली है इसका फैब्रिक कुछ ऐसा हमको राउंड नेक मिलेगा यहाँ पर हमको मिल जाएगा पाइपिंग वर्क गोल्डन कलर का हल्की सी स्लिट के साथ यहाँ पे हमको

बहुत ही ज्यादा डीसेंट है इसका फॉल प्रिंट बिल्कुल भी गॉडी नहीं है एंड ऑल ओवर जो है इसकी लुक हो जाती है कुछ ऐसे इसमें आप गोल्डन कलर का बेच कलर का या फिर मतलब ऑफ वाइट भी जा सकता है फॉर देट मैटर इसके साथ आप बॉटम वे पैरअप कर सकते हो बैक साइड पर ये पूरा हमको कुछ इसी तरीके से जो है प्रिंटिंग पैटर्न पर मिलने वाला है सो so गाइज बहुत ही न्यूट्रल शेड है और ये भी कुछ ऐसा शेड है जो कि हर स्किन टोन के ऊपर जाएगा तो आपको किसी को एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन भी अगर कुछ ट्राई करना है तो आप उसको ये वाला शेड जो है आग बंद करके दे सकते हो तो येस मैं इसको भी आ, आपको जो हो रेकमेंड करूंगी आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको ये पसंद आता है आप इसको भी ट्राई करके नेक्स्ट है अगेन वन ऑफ फेवरेट जो कि कुछ इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है इसका फैब्रिक है इसके कुर्ते का और बॉटम वेयर का तो कुर्ता जो है आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा एंड ये काफी ज्यादा लेटेस्ट है आजकल ऐसा आपको राउंड नेक मिलेगा हल्की सी स्लिट है डोरी वर्क मिल जाएगी एंड फ्रंट में आपको पैच वर्क मिलता है तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा आपको कुछ इस तरीके का ब्यूटीफुल सा इसमें फॉल्स पिनर का और जरी एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा गोटा पट्टी की डिटेलिंग है और साइड में हमको ये वाले ब्यूटीफुल से टैसल वर्क की डिटेलिंग दे रखी है जो कि काफ़ी ब्राइटर लुक दे देते हैं इसको एंड इसका लुक जो है ऑल ओवर कुछ ऐसा रहेगा थ्री फोर स्लीव हमको इसमें मिल जाएंगी गोटा पट्टी की डिटेलिंग के साथ एंड ये जो है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है परफेक्ट फिट है इसकी फ्रंट पोर्शन पर पूरा हमको ये वाला गोटा पट्टी की डिटेलिंग जो है नीचे तक मिल जाएगी सो ऑल ओवर इसका अगर आप फ्रंट का लुक देखोगे तो कुछ ऐसा हो जाता है बाकी नीचे से जो है हमको आगे और पीछे दोनों तरफ ये वाले पॉम पम की आई I मीन mean ये वाले टैसल की जो है डिटेलिंग दिखने को मिल जाती है बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड ये हमको पूरा सॉलिड कलर का मिल जाएगा कुछ इस तरीके से फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो ये हो जाता है ब्यूटीफुल सा कुर्ता न इसके साथ जो हमको बॉटम वेयर मिला है वो फुली इलास्टिकेटेड है ये देखिए कुछ ऐसे सेम फैब्रिक है रियॉन फैब्रिक एंड सेम शेड रहेगा एकदम रेगुलर फिट में है इसका बॉटम uh, वेयर नीचे हमको ये गोटापटी की डिटेलिंग और टेस्ट टैसल वर्क मिल जाते हैं ये देखिए कुछ ऐसे सो so गाइस ये हो जाता है इसका बॉटम वेयर दुपट्टा इसमें हमको दे रखा है प्योर शिफॉन का जो कि कुछ ऐसा है इसकी विड्थ में हमको ये वाली गोटा की डिटेलिंग मिलेगी साथ में ये दे रखे हैं यू नो पमपम डिटेलिंग टैसल वर्क टाइप्स एंड ये डुअल शेड में हमको मिल जाएगा कुछ ऐसा रानी कलर है एंड देन बीच में ये येलो कलर ये देखिए कुछ ऐसा इसका हो जाता है दुपट्टा फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो आपको अगर ये वाला कुर्ता सेट पसंद आता है आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो काफी रीजनेबल है यह नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता जो कि आपको मिलेगा कॉटन रियॉन फैब्रिक में इसमें आपको और कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे दो तीन कलर ऑप्शन और हैं पिंक है एंड यू नो एक डार्कर पिंक शेड है एक लाइटर पिंक शेड है और एक ये वाला है तो इसमें आप देख सकते हो राउंड नेक है ऐसा एंड इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक साइज यू you नो know, अपना अपर लीजिए कि सपोज आपका मीडियम है तो आप लार्ज लीजिए और अगर आपका लार्ज है तो एक्सल लीजिए क्योंकि एकदम प्रॉपर फिट वाला है क्योंकि मेरा साइज मीडियम है बट मैं लार्ज पहनना यू नो प्रेफर करती हूँ एट टाइम्स बट ये मुझे एकदम प्रॉपर फिट आया है लार्ज लेने के बावजूद तो इसमें जो हो आप एक साइज अबव लीजिएगा यहाँ पर आपको राउंड नेक मिलेगा पैच वर्क मिलेगा फ्रंट में जिसमें कि यह पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का जरी का वर्क हो रखा है साथ में फॉल्स मर्क की डिटेलिंग है एंड साइड में ये वाला क्रोशे का लेस डिटेलिंग दे रखा है सो ऑल ओवर इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ पे आपको ये पूरा प्रिंट देखने को मिल जाएगा गोल्डन एंड व्हाइट कलर का थ्री फोर स्लीव्स हैं स्लीव्स के एंड पे हमको ये यू नो एम्ब्रॉयडरी एंड फॉल्समर की डिटेलिंग मिल जाएगी तो इसका लुक कुछ ऐसे हो जाता है वेस्ट तक ये एकदम परफेक्ट फिट रहेगा एंड देन उसके बाद हल्की फुल्की प्लीट्स मिलेंगी आपको एंड ये जो है हमको ना नायरा कट स्टाइल में मिल जाएगा ये देखिए नीचे तक इसका फ्लेयर जो है एकदम रीजनेबल है बहुत ज़्यादा भी नहीं है काइंड ऑफ यू नो जैसे ए लाइन कुर्ता है वो है साइड में हमको ये पट्टी की डिटेलिंग दे रखी है कुछ ऐसी गोल्डन कलर की एंड यही पट्टी की डिटेलिंग हमको नीचे से भी मिलेगी साथ में ये कुरोशे की लेस डिटेलिंग नीचे से सो ऑल ओवर इसका लुक जो है कुछ ऐसे होता है एंड बैक साइड पे हमको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिलने वाला है बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है तो ये हो जाता है कुर्ता साथ में हमको रेन का बॉटम वेयर मिलेगा जो कि फुली इलास्टिकेटेड है सेम शेड में रहेगा ये देखिए कुछ ऐसे एंड सबसे नीचे इसमें हमको ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग दिखने को मिल जाती है so, इसके साथ जो हमको दुपट्टा मिलता है वो भी प्योर शिफॉन का है कुछ ऐसे इसमें हमको ना ये कुरोशे की ले लेस डिटेलिंग मिल जाएगी जो कि आपको लेंथ और विड्थ पे दोनों तरफ मिलती है ये देखिए ये है इसकी लेंथ एंड ये वाली जो है लेस डिटेलिंग हमको मिल जाएगी तो ये इसकी विड्थ हो जाती है और ये है इसकी लेंथ आप देख सकते हो पूरी कंप्लीट इसमें हमको दे रखी है यही वाली लेस डिटेलिंग एंड बीच में जो है ये कुछ इस तरीके से ओमरे इफेक्ट है इसमें जो मिंट ग्रीन कलर का जैसे कुर्ता था और वाइट कलर का ये देखिए पूरा इसमें कुछ इस तरीके का उम्र इफेक्ट दे रखा है तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रटी लगता है रीजनेबल है ये भी काफ़ी ज़्यादा एंड रीसेल में मैंने इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक शायद थ्री फिफ्टी कुछ का रखा हुआ है तो आपको पसंद आता है तो, तो ज़रूर ट्राई करूँगी बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट जिसमें आपको दुपट्टा मिलता है और अनारकली गाउन एंड आई थिंक इसमें शायद सिंगल कलर ही अवेलेबल है कुछ इस तरीके से मरून कलर का है और इसका फैब्रिक जॉर्जेट रहेगा कुर्ते का भी एंड गाउन का भी तो कुछ ऐसा इसमें हमको मिल जाएगा राउंड नेक यहाँ पर हमको ये पूरा जरी का जो है यू नो एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है ये पूरा जो आप काम देख रहे हो ना जरी एम्ब्रॉयडरी है एंड इसका लुक हो जाता है फ्रंट में कुछ ऐसे थ्री फोर स्लीव हैं स्लीव में भी आपको ये पूरा जरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क देखने को मिलेगा ये देखिए कुछ ऐसे तो ओवरऑल इसका लुक कुछ ऐसे है वेस्ट तक परफेक्ट फिट उसके बाद आपको सॉलिड कलर का मिल जाएगा ये नीचे एंड फ्लेयर जो है इसका काफी अच्छा खासा ये देखिए कुछ इतना इसका फ्लेयर हो जाएगा लेंथ वाइज भी ये काफी अच्छा है आप देख सकते हो मेरी हाइट है फाइव फोर उसके अकॉर्डिंगली इसकी काफ़ी अच्छी लेंथ आई है मुझे आप चाहो तो इसके साथ गोल्डन बेज कलर का बॉटम वेयर पेयर कर सकते हो नीचे इसमें हमको लाइनिंग प्रोवाइडेड है तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं रहेगा ऑल ओवर जो है ये काफ़ी प्रिटी लगता है ये देखिए कुछ ऐसे इसकी लुक आ जाएगी बैक साइड पर राउंड नेक है और साथ में हमको दे रखी है डोरी एंड टैसल वर्क कुछ ऐसे एंड पीछे से ये हमको पूरा सॉलिड मरून कलर का मिल जाएगा फिट भी इसकी काफ़ी अच्छी है ये देखिए पूरा का पूरा मरून कलर का है बहुत न्यूट्रल शेड है सब स्किन टोन्स के ऊपर अच्छे से जाता है बाकी इसका दोपटा का चला गया इसमें हमको एक स्टोल दे रखा है जो कि सेम फैब्रिक एंड शेड का है ये देखिए जिसमें हमको ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाएगी चारों कॉर्नर्स पे एंड इसकी लेंथ जो है एकदम कंप्लीट है फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है रीजनेबल है आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखो मेरी तरफ से ये भी हाईली रहता है। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो कि जानास्या से है और मीशो पर भी अवेलेबल है इसका जो फैब्रिक है वो है पॉली जॉर्ज जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कुछ ऐसी है राउंड नेक है यहाँ पर हल्का सा लूप मिलेगा बटन डिटेलिंग के साथ ये सिल्वर जो आप देख रहे हो ना ये पूरा इसमें जरी का धागा जा रहा है जो कि पूरी ही फैब्रिक में देखने को मिलेगा एंड कुछ इस तरीके से आपको ब्यूटीफुल से जो है इसमें फ्लावर का प्रिंट मिल जाएगा ये देखिए पूरा फ्लोरल प्रिंट है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इसकी लुक कुछ ऐसी है थ्री फोर्थ स्लीव रहेंगी इसकी कुछ ऐसी एंड वेस्ट पे हमको ये जो है कुछ इस तरीके का इन्होंने फ्रंट में ना थ्रेड दे रखा है ये देखिए कुछ इस तरीके की डोरी है तो आप इसको स्ट्रेच करके जो हो नॉट कर सकते हो एंड एकदम फिट हो जाती है अपनी वेस्ट पे बाकी ये जो है टायर्ड है पहले आप इसका घेर देख लो कि

से ये हाईली रिकमेंडेड है बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन फैब्रिक है इसका सीरियसली तो मैं इसको भी जरूर रिकमेंड नेक्स्ट आपके साथ शेयर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्यूनिक अगर आप कुछ यू नो लाइट वेट पहनना चाहते हो दिन में तो फेस्टिव सीजन में इसको ट्राई करके देख सकते हो इसमें दो तीन कलर ऑप्शन और अवेलेबल हैं रेन फैब्रिक में है मस्टर्ड कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल लेकिन उसमें ना जो दिख रहा था फोटो में वो था काइंड ऑफ यू नो येलो शेड और जो हमको मिला है वो प्रॉपर एकदम जो हल्दी वाला कलर होता है ना टर्मरिक शेड वो वाला है थोड़ा सा कलर डिफरेंस जो फोटो में दिख रहा था और ओरिजिनल में है वो मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मैंनेडेरियन कॉलर है फ्रंट में बटन डिटेलिंग है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फंक्शनल है बंद करने के लिए पूरा हेवी एम्ब्रॉयडरी फ्लोरल प्रिंट आपको मिल जाएगा मल्टी कलर में ये देखिए पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल एम्ब्रॉयडरी है इसकी सो so, ओवरऑल इसका लुक कुछ ऐसे है आई थिंक इसमें ना शायद एक ब्लैक कलर अवेलेबल है इसी वाले पैटर्न में तो आपको ब्लैक कलर पहनना पसंद है आप उसको ट्राई कर सकते हो तो इसका लुक कुछ ऐसे है स्लीव्स इसमें हमको मिलेंगी थ्री फोर् टाइम स्लीवस के एंड पे हमको ये वाला पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क देखने को मिल जाएगा बाकी इसकी जो लेंथ है ट्यूनिक की वो बहुत अच्छी खासी है नीचे हमको ये सॉलिड कलर में मिल जाएगा कुछ ऐसे एंड बैक साइड पर यह एकदम प्लेन है सॉलिड कलर का ये देखिए कुछ इस तरीके से सो तो आप इसको ट्राउजर्स के साथ जीन्स के साथ आई मीन जिसके साथ भी पेयर करोगे बहुत पेटी लगेगा आप देख सकते हो कितना ग्रेसफुल लग रहा है तो अगर इस आने वाले फेस्टिव सीजन में आपको कुछ कंफर्टेबल

be blessed see ya